तो दोस्तों ये है गुजरात का प्रसिद्ध नाश्ता खाटा ढोकला या फिर इडड़ा। इसे बनाना काफी लंबा प्रोसेस है, आपको दाल चावल ओवरनाइट भिगो के पीस के बनाना पड़ता है, लेकिन आज मैं अपने वीडियो में आपको बताऊंगी कि सिर्फ तीन चीजों से आप इंस्टेंट खाटा ढोकला या फिर इडड़ा कैसे बना सकते हैं, वो भी एकदम सॉफ्ट और स्पंजी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, खाटा ढोकला या फिर इडड़ा बनाना। वेलकम टू माय चैनल रिचा लाइव फूड। अगर आपको मेरे कुकिंग वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए चलते हैं मेरे किचन में और शुरू करते हैं अपना कुकिंग का ये सफर। मैंने यहाँ पे एक खाली बाउल लिया है जिसके अंदर मैं कुछ अराउंड 200 ग्राम्स ऑफ सूजी लूंगी। ध्यान रखिएगा ये जो सूजी है ये मोटी सूजी है, मैंने वो जो पतली सूजी आती है वो नहीं ली है, आपको दरदरी सूजी लेनी है। यहाँ पे मैंने 200 ग्राम्स ऑफ सूजी ले ली है या फिर सेमोलिना कह सकते हैं आप, और आधी कटोरी जितना दही लिया है जो कि खट्टा है, आपको ताजा दही नहीं लेना है, थोड़ा खट्टा ही दही लेना है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें कुछ छोटी 1.5 चम्मच जितना नमक डालूंगी, आप नमक अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा, कम पसंद हो तो कम। मैं यहाँ पे छोटी 1.5 चम्मच जितना नमक डाल रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे, इसको हम एक सेमी थिक बैटर बनाएंगे। ध्यान रखिएगा बिल्कुल इसका बैटर पतला नहीं होना चाहिए, सेमी थिक बैटर होना चाहिए, और थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही रखिएगा क्योंकि हमें इसे आधा घंटे को रेस्ट पे रखना है। तो जैसे सब जानते हैं सूजी जो है वो पानी सब सोख लेती है, तो थोड़ा सा ज़्यादा पानी ही रखेंगे तो चलेगा फॉर अ फर्स्ट टाइम। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसे ढक के कुछ आधे घंटे के लिए रेस्ट होने रख दिया है। जब तक वो रेस्ट होगा मैंने यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा पानी लिया है, उसे गर्म होने रख दिया है। आप कोई भी नॉन स्टिक पैन भगोनी कुछ भी ले सकते हैं और इसे मैं ढक के रखूंगी। यहाँ मेरे बैटर को आधा घंटा हो चुका है और ये देखिए मेरा बैटर जो पहले पतला था बिल्कुल थिक हो रखा है। तो अब मैं इसमें दोबारा पानी डालकर इसको सेमी थिक बैटर बनाऊंगी। पानी डाल के आपको अच्छे से इस बैटर को मिक्स कर लेना है। ये देखिए मेरा बैटर रेडी हो गया है, मैं इसे थोड़ी देर साइड में रख दूंगी। तब तक मैं अपने डिस्पोजेबल कप दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने एकदम चाय की साइज के यहाँ पे डिस्पोजेबल कप लिए हैं। इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूंगी अच्छे से सारे कप को, ताकि जो हमारा ढोकड़ा है वो इसमें स्टिक ना हो और आराम से निकल के आ जाए। मैंने इसे पूरी तरीके से ग्रीस कर लिया है। अब जो हमारा बैटर है उसके अंदर मैं 1 चम्मच जितना इनो डालूंगी, जिससे ये एकदम इंस्टेंट फर्मेंट हो जाए। इनो डाल के हमें अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। देखिए मैंने अच्छे से मिक्स करके इसमें अब मैं अपने जो बैटर है वो डिस्पोजेबल ग्लासेस में पोर करूंगी, और हमें 3/4 जितना अपना कप भरना है, हाफ नहीं, हाफ से थोड़ा ज्यादा, 3/4। मैंने अपने सारे कप को भर लिया है यहाँ पे 3/4, और अब मैं इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल करूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, ये सिर्फ टेस्ट के लिए और लुक के लिए है। देखिए यहाँ पे मेरी जो कढ़ाई थी मैंने पानी रखा था वो गर्म हो गया है। अब मैं अपने डिस्पोजेबल ग्लासेस है जिसमें मैंने अपना खाटा ढोकड़ा रखा है उसको मैं स्टीम होने रख दूंगी। सारे कप को रख के हम इसे ढकेंगे और इसे स्टीम करेंगे अराउंड 15 to 20 मिनट्स। मैंने यहाँ पे ढक्कन पे कपड़ा इसे लगाया क्योंकि पानी गिरता है तो इडड़ा में पानी जाता है, वो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, इसलिए आप कपड़ा लगाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। ये देखिए 15 से 20 मिनट के बाद मैं इसमें अपना फॉर्क डाल के देख रही हूँ और ये एकदम क्लीन बाहर आ रहा है, मतलब मेरे जो ढोकड़ा है वो एकदम रेडी हो चुका है। अब मैं 5 मिनट के लिए इसे ढक के रख दूंगी गैस बंद करके।
ये देखिए 5 मिनट के बाद मैं अपने इडड़े को अब निकाल लूंगी बाहर ठंडा होने के लिए। ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये टी कप्स में, ये जो ढोकला है मेरा। अब मैं इन्हें ठंडा होने के लिए रख देती हूँ। तो ये जो मेरे कप ढोकला है ये एकदम ठंडे हो गए हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे जिसमें हम इस पर तड़का लगाएंगे। ये देखिए ये सिर्फ टैप करने से ही निकल के आ जाएंगे और कितने सुंदर और कितने सॉफ्ट है। ये देखिए मैं इसे आपको दबा के दिखा रही हूँ कितने स्पंजी बने हैं। मैं अपने सारे कप में से अपने ढोकला निकाल लेती हूँ। ये देखिए मेरे ढोकला निकल के आ गए हैं। मैं इसे हिला के दिखा रही हूँ, ये एकदम जेली की तरह हिल रहा है। मतलब ये कितने लाइट वेट और कितने स्पंजी बने हैं कि जेली की तरह हिल रहे हैं। अब हम एक दूसरा पैन लेंगे जिसके अंदर हम अपना तड़के की तैयारी करेंगे। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैन लिया है जिसके अंदर मैं 3 चम्मच जितना तेल डालूंगी। जैसे ही मेरा तेल गर्म हो जाएगा उसमें मैं 1/2 चम्मच जितनी राई डालूंगी और 1/2 चम्मच जितना ही हम सफेद तिल लेंगे और कुछ 10 से 12 पत्तियां हम करी लीव्स की लेंगे, मतलब मीठा नहीं। राई और तिल को हम अच्छे से तड़कने देंगे, चटकने देंगे। और जैसे ही हमारा ये जो तड़का है वो रेडी हो जाएगा हम इस तड़के को अपने जो ढोकला है उन पे स्प्रिंकल कर देंगे अच्छे से। ये देखिए ये पे यहाँ पे मेरे जो ढोकला है वो रेडी हो गए एकदम ठंडे होके। मैं ये मेरा तड़का उन पे डाल देती हूँ अच्छे से। यहाँ पे मैं एक एक करी लीव्स लगा रही हूँ जस्ट फॉर डेकोरेशन। आप तड़के में लाल मिर्च भी डाल सकते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा तीखा चाहिए तो, और आप धनिया से इसे सजाइए। और ये देखिए ये जो मेरा खाटा ढोकला या फिर इडरा रेडी हो चुका है सर्विंग प्लेट में जाने के लिए। और ये कितना डिलीशियस, कितना सॉफ्ट लग रहा है और ये इंस्टेंट बना है वो भी सिर्फ 3 चीज़ों से। तो इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई करिएगा और आपका ये एक्सपेरिमेंट ऑफ इंस्टेंट खाटा ढोकला कैसा रहा मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर शेयर करिएगा। तो आपको मेरा आज का वीडियो इंस्टेंट खाटा ढोकला विथ 3 इंग्रीडियंट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।